जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि जो SSC GDEE में आपका जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है, पूरी की पूरी डिटेल, लड़कों और लड़कियों को किस में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए जाते हैं और मेडिकल में कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा चेक होते हैं और किस किस प्रकार के मतलब टाइप के मेडिकल्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके उससे संबंधित है। अगर आप BSSC GDEE या BSF CRPF BITBP CISF इनमें से किसी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ट्रेडमेंट्स, चाहे GDEE, चाहे CPO, तो इनका जो मेडिकल होता है, मेडिकल का एक सामान्य स्तर होता है। तो किस प्रकार से इनका मेडिकल होता है, आर्मी के मेडिकल और इसके मेडिकल में कितना डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कई बार अगर आर्मी के मेडिकल में रह चुके हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी छूट दी जाती है, तो मैं आपको वो छूट भी बताने वाला हूँ कि कौन सी वो छूट है दोस्तों। तो साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में देते हैं। सबसे पहले जैसे आप जाते हो मेडिकल सेंटर जहाँ पर आपको मेडिकल होता है, तो मेडिकल में सबसे पहला कार्रवाई जो होती है इन सभी पोस्ट में वो क्या होती है कि जिस दिन आप मेडिकल के जाओगे उस दिन सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होगा। सबसे पहले होगा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। तो दोस्तों, लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, जिनके जो मासिक धर्म की वजह से उनका जो रक्त स्राव होता है, कई बार कईयों का ज़्यादा होता है, कईयों की वाइट ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से होता क्या है कि उनमें हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी पाई जाती है काफ़ी हद तक। तो आयरन की कमी की वजह से उनको सबसे ज़्यादा पॉइंट उसमें मिलते हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो इन चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो मेडिकल देने जाए किसी भी फोर्स का, तो ध्यान रखें कि आयरन, जिससे आयरन मिलता है जिस फ्रूट से, जिस वेजिटेबल से, तो वो ज़्यादा ज़्यादा खाए। उससे होगा क्या कि आपके शरीर में आयरन की पूर्ति होगी तो उसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, सबसे पहले आपके होता है, अब आप यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट दे रहे हो तो ध्यान रखना, यूरिन टेस्ट देते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप यूरिन टेस्ट देने जाओ तो यूरिन जब लेते हो तो कम से कम जब आप टॉयलेट करने जाते हो तो कम से कम 2 या 3 सेकंड के लिए टॉयलेट होने देने के बाद में 20 की टॉयलेट उसमें लेनी है। कई बार होता है क्या कि आप जब शुरुआती टॉयलेट होती है, जैसे आप पहले टॉयलेट के लिए लगा के और टॉयलेट इकट्ठा करते हो, वो गलत है। उसमें से क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं उसी में होते हैं, कई बार उसकी वजह से आपको नॉर्मल पॉइंट मिल जाते हैं, बाद में वो टूट जाता है पॉइंट, लेकिन एक बार आपके लिए परेशानी हो सकती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपका ये होता है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपको जैसे खड़ा कर लेंगे केवल अंडरगार्मेंट्स में निकाल के फिर खड़ा कर लेंगे, फिर आपके पैरों से अगर हम शुरू करें तो पैरों से देखो इस प्रकार से खड़े करते हैं आपको, जैसे मैं खड़ा हूँ, फिर आपकी नोकनी ये देखते हैं सबसे पहले कि नोकनी तो कहीं टच नहीं हो रही, नोकनी देखेंगे सबसे पहले, चाहे पीछे से आगे से, फिर आपको चला के देखेंगे, 2-4 कदम चला के आगे पीछे आपको देखेंगे, फिर आपकी पैर की उंगलियाँ उनको चेक करते हैं। हाँ, अब फ्लैट पैर का, जो आर्मी में फ्लैट पैर का जो पॉइंट मिलता है उसके लिए बता दूँ कि इन फोर्स में फ्लैट पैर का पॉइंट बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत ही रेयर केस होते हैं। अगर आपका फ्लैट पैर भी है तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके फ्लैट पैर में कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है इनमें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिनके फ्लैट पैर है वो भी इनमें ट्राई ज़रूर करना। फ्लैट पैर में बहुत ही कम चांस होते हैं आपको इनमें मेडिकल अनफिट करने के लिए, क्योंकि फ्लैट पैर इनका चेक नहीं होता है। तो फ्लैट पैर वाली इसमें आप BSF CRPF इनका अगर मेडिकल दे रहे हो पैरामिलिट्री फोर्स का, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपकी फिर उंगलियां देखते हैं कि कोई कटी फटी तो नहीं है, अगर नॉर्मल कटी हुई भी है तो भी कोई परेशानी नहीं होती है, बस ये है कि जो उंगलियां हैं उनका काम प्रॉपर होना चाहिए। तो पैरों को जैसे देखें, फिर नोकनी, फिर उसके बाद में आपको ऊपर से पूरी बॉडी को चेक करेंगे वो कि कहीं कोई कट वट या कुछ ऐसा नहीं है। अब कट वट का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी मतलब कोई बड़ा ऐसे चोट वोट नहीं लगी होनी चाहिए, देखो अगर इस प्रकार की चोट है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी चोट लगी हुई है इस प्रकार की तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई पुरानी चोट है या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में आपके शरीर का जो बाहरी हिस्सा है वो चेक किया जाता है कि कहीं चाहे अब बैक घुमा के चारों तरफ से देखे। अब इसके बाद में आपकी हाथों को इस प्रकार से एल्बो चेक करते हैं कि कहीं ये कोई टच नहीं होगी। अब एक चीज़ बताऊं, आर्मी में इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल अगर आपकी थोड़ी सी भी इधर हो गई यानी इधर उधर, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसा नहीं है। अगर आपकी ये पूरी टच हो गई ऐसे करने पर तभी आपको पॉइंट मिलेगा, अगर हल्की फुल्की बाहर है या थोड़ा डिसेबल है यानी थोड़ा सा इधर उधर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना इनमें, क्योंकि मेडिकल पॉइंट इतने नहीं मिलते हैं इन चीज़ों में। इसके बाद में आपकी उंगलियाँ चेक करते हैं कि आपकी पूरी उंगलियाँ सही काम कर रही है नहीं कर रही है, सभी उंगलियों का काम सही है नहीं है। फिंगर चेक करने के बाद में आपकी उंगलियों को इस प्रकार से जैसे देख लेते हैं, आपकी पूरी उंगलियां चेक कर ली। अब इसके बाद में जो शरीर का पूरा हिस्सा है, कईयों के ये देखना यहाँ पर गड्ढा भी होता है, कईयों के चेस्ट के पास में गड्ढा होता है, कईयों के इधर गड्ढा होता है, कईयों का ये वाला जो गड्ढा होता है बहुत ज़्यादा होता है चेस्ट के पास में,
तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो एक नेचुरल बॉडी का पार्ट है, वो आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है और बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में आपकी बैक की जो चेक करते हैं पूरा घुमा के पीठ की तरफ से कि कहीं से भी हाथ पैर नहीं है, हाथ को ऊपर करके साइड करके नीचे करके या राउंड करके इस प्रकार से चेक करते हैं, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब इसके बाद में जो होता है, अब आते हैं चेहरे पर, आपकी आंखों को अच्छे से चेक किया जाता है मशीन से या उस प्रकार से आपको वर्ड दिखा के एक आंख बंद करके फिर दूसरी आंख बंद करके हाथ रखें। जब भी आप एक आंख बंद करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप जैसे ये हाथ लगा रहे हो तो इस आंख को अगर आप चाहो तो बंद कर भी सकते हो, ना चाहो तो ना भी करें। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल, कई लड़के होते हैं कि आंख बंद करके अच्छे से देख लेते हैं, कुछ होते हैं कि जिनकी आंख बंद ही नहीं होती एक साइड की तो वो कोशिश ना करें फिर बंद करने की, जिनकी नहीं होती कहीं की एक आंख बंद नहीं होती तो वो इसकी ना करें कि वो ज़बरदस्ती बंद करें, तो ऐसा कुछ ना करें, बस नॉर्मल से रहें। आंख अंदर खुली भी रखनी है तो रख सकते हो, फिर दूसरे हाथ से ऐसे वो वर्ड आपको दिखने चाहिए, जो वर्ड होते हैं वो लाइट में होते हैं, लाइट लगाई हुई होती है रूम के अंदर जाके आपको वर्ड होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वहाँ से वो वर्ड आपको पेन रखेगा, उसको आपको बोलते रहना है। इस प्रकार से आपके वर्ड चेक होते हैं, आइज इस प्रकार की आपकी 6x6 है या नहीं है। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर आपकी मान लो आइज में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ दवाई वाई डालते हो तो ये मत सोचना कि आपकी आइज में वो दवाई की वजह से कोई परेशानी हो जाएगी, तो उस दिन भी आप वो छोटी सी अगर कोई ड्रॉप डालते हो तो ड्रॉप डाल के आंखों को साफ करने की, कचरा साफ करने की तो वो डाल सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आपके कान चेक होते हैं, वो पूरे मशीन से चेक होते हैं, कई बार मशीन से होते हैं, कई बार ऐसे पेपर लगा के उस पर ऐसे पेन चला के और फिर आपसे वर्ड बोलेंगे तो वो आपको वर्ड भी बोलने रहते हैं, ये अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर मशीन से ही चेक होते हैं आपके कान। उसके बाद में आपके दांत चेक होते हैं। अब कुछ गुटखा जर्दा खैनी खाने वाले लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारे दांत पीले पड़ गए या दांतों में मतलब कलर चढ़ रखा है, या कईयों के बचपन से दांत पीले, कईयों के गैप भी है दांतों में, तो इनमें क्या परेशानी हो सकती है? तो इन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर है कि दांतों में आपके ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। देखो पीलापन है वो पानी की वजह से होता है, जहाँ पर जिस स्टेट में या जिस जगह में पानी ख़राब है वहाँ पर दांतों में पीलापन आना लाजमी सी बात है, ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता। दूसरा, जो खैनी जर्दा खाने वाले हैं ये अपने दांतों को जरूर एक बार साफ़ करवा ले, अच्छे से साफ़ करवा के जाए ताकि आपका बेड इंप्रेशन नहीं पड़े, नहीं तो अगर गंदा दिखेगा चेहरा मुंह से, अगर अंदर से गंदा दिखेगा दांत तो वो सीधा लिख देंगे, तो आप एक बार अच्छे से साफ़ करवा ले। आजकल बहुत टाइप की मशीनें आ चुकी हैं उनसे साफ़ हो जाते हैं दांत बिल्कुल, उनसे साफ़ करवा ले, और ना ही खाए तो बेटर है। अगर आप किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो अगर ना ही खाए तो सबसे बेटर तो आपके लिए वही है। अब इसके बाद में दांतों को आपको अच्छे से चेक करने के बाद, जैसे पूरे दांत चेक कर लिए, अब इसमें कईयों के दांत एक्स्ट्रा होता है या कम या ज़्यादा होता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, या दांत बाहर है ऐसे कईयों के अंदर, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। तो उस दांतों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि आपका दांतों का कोई ऐसा पॉइंट बनेगा, एक्स्ट्रा भी है अगर पॉइंट भी दिया तो बाहर निकला दो और सेट हो गया। अब अगर बाहर है कम ज़्यादा, गैप कम ज़्यादा है या ख़राब है दांत, तो उसमें से कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा ये इसके चेहरा चेक कर ले, पूरा शरीर का चेक करने के बाद फिर अंडरगारमेंट्स पे आते हैं। तो अभी चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, सभी की जो पाइल्स है वो चेक की जाती है पीछे से, जब एक करके आपने कईयों ने मेडिकल दिया भी होगा, आर्मी का वीडियो आपने देखा होगा, जैसे पीछे घुमा के ऊपर ऐसे कर झुका के फिर खांसने के लिए आपको बोलते हैं 2-3 बार, उससे क्या करते हैं वो पाइल्स चेक करते हैं। अगर किसी को पाइल्स की बीमारी है तो वो ज़रूर ठीक कर ले, वो ठीक हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप मेडिकल देने जाते हो अगर किसी को पाइल्स की बीमारी है तो वो पक्का सही कर ले उसको। उसके बाद में जो लड़के होते हैं उनके जो पेनिस हो रही है वर्सेस चेक होते हैं, तो इनको जैसे 2 ही होने चाहिए वो आपको पता है, अगर किसी के कम या ज़्यादा 2 या 3 है तो ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन वैलिड 2 ही है मेडिकल में। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 3 हो गए तो बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 3 है तो भी कोई टेंशन नहीं है, 1 है तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो काम आपका चलता रहेगा। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि जो मेडिकल फिट आप नहीं हो पाओगे उसकी वजह से। तो अगर वो 2 ही होने चाहिए, अगर उनमें कईयों में पानी भर जाता है, कईयों के बड़े मतलब उस प्रकार से हो जाते हैं पानी भरने की वजह से, तो वो तैयार हो जाते हैं, उसकी टेबलेट भी आती है, उसकी वैक्सीन भी आती है, तो वो ज़रूर उसका यूज़ कर लें। फिर उसके बाद में पेनिस का आपको पता है होल चेक होता है कि होल इज़ नॉट प्रॉपरली, आर्मी में कईयों के ये पॉइंट देखे होंगे होल इज़ नॉट प्रॉपरली, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसा पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा कि होल इज़ नॉट प्रॉपरली, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो छूट रहती है वो इसी प्रकार की रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है पूरा का पूरा मेडिकल, ये होती है पूरी के पूरे मेडिकल की जो प्रोसेस है। इसके अलावा आपका आगे का एक्सरा, पीछे का एक्सरा ये भी ज़रूर निकालते हैं कि आपके कोई फेफड़ा वेफड़ा कोई डैमेज तो नहीं है, कोई किडनी विडनी कोई फेल तो नहीं है, तो इसीलिए आगे का जो आपका एक्सरे निकालते हैं यहाँ का शरीर का, जिन्होंने दिए हैं उनको पता है कि ऐसे मशीन के सामने खड़े होकर आगे का फिर पीछे का
ये इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका मेडिकल होता है दोस्तों। कुछ चीज़ें और भी छोटी मोटी चीज़ें अगर रह गई है तो मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें देखो आपको और बता दूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें मेडिकल की पूरी प्रोसेस है वो यही है दोस्तों। अब इसमें अगर आपको कोई कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा या कमेंट में आपकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।